गाइस वेलकम ऑन गेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल, दिस इज प्रभात कुमार और आज हम बात करने वाले हैं सीडी रोम के बारे में। तो यहाँ पर यदि बेसिकली मैं बात करूँ तो म्यूजिक सीडी जैसी ही सीडी जिस पर डेटा स्टोर किया जा सकता है सीडी रोम कहलाती है। एक सीडी पर फ्लॉपी जो ड्राइव होती है या फ्लॉपी डिस्क होती है उसकी तुलना में काफ़ी अधिक डेटा स्टोर हो सकता है। इस पर डेटा लिखने एवं इसमें डेटा पढ़ने के लिए सीडी ड्राइव एवं राइडर की आवश्यकता होती है, क्योंकि यदि सीडी ड्राइव या राइडर नहीं होगा तो आप या डेटा इसमें नहीं एक्सेस कर पाएंगे। तो ये थी एक बेसिक सी छोटी सी इन्फॉर्मेशन सीडी रोम के बारे में। वैसे यहाँ पर रोम शब्द का उपयोग इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर रीड ओनली मेमोरी सीडी जुड़ जाती है, क्योंकि जो सीडी रोम होती है उसके अंदर एक बार डाटा आपने डाल दिया तो फिर उस डाटा को आप रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। एक बार जो हो गया ना उसमें फीड बस हो गया, उसके बाद आप रिप्लेस नहीं कर सकते। हाँ, उसी को बार बार रीड कर सकते हैं, इसलिए तो कहा गया है रीड ओनली मेमोरी, यू कांट रिप्लेस बट यू कैन ओनली रीड। तो दैट्स वाई इट्स ऑल्सो कॉल्ड रोम, यानी रीड ओनली मेमोरी। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर सी डी रोम क्या है और ये कैसे फंक्शन करता है। तो उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आई होगी। यदि आई है तो वीडियो को लाइक करिए, सोशल मीडिया पर शेयर करिए और कमेंट करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस वीडियो को आपने आखिरी तक देखा। जय हिंद, जय भारत।